सके फोकस करना, ट्राई टू कंप्लीट द पेपर हाफ आवर बिफोर। कोशिश यही रहना चाहिए कि आपका 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। और एक और चीज, नो फैंसी डेकोरेशन एंड ऑल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसा लाइन खींचेंगे, ऐसा बनाएंगे वैसा। देखो जितना जहां जरूरी है, जहां पे मार्क्स मिलने वाला है उस चीज से वहीं पे डेकोरेट करो। बहुत सारे खासकर लड़कियों की आदत होती है, मैं यहां पे मैं बोलना चाहूंगा फीमेल गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगा। देखो बहुत सारे चीजें होती है, हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान तो देते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन सिर्फ उतना ही जरूरी है जितना की जरूरत है। जैसे कि कुछ मार्जिन का हो गया लाइन, जहां पे हेडिंग है उस पर लाइन खींचना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उस पर अंडरलाइन करना, डायग्राम से तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाना। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है पूरा डब्बा वब्बा बनाएंगे, पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे, तो वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो बिल्कुल फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत अच्छा लगता है पेपर देखने में, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा कोई। अगर आपका आंसर ही सही नहीं है, आपका पेपर ही समझो छूट गया 10-15 मार्क्स का, तो आपका लॉस हो रहा है ना। तो या 1 मार्क्स आधा मार्क्स के चक्कर में वो 10-15 मार्क्स को वेस्ट मत करो जो आपका पेपर छूटने की वजह से हो सकता है, करेक्ट है। तो आपको डेकोरेशन लास्ट में समय मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला कि ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इन हाफ एन आवर बिफोर। आधा घंटा पहले पेपर खत्म हो गया तो फिर जितना मर्जी उतना डेकोरेशन करो, भर दो पेपर को मजेदार तरीके से, आपको जो भी अच्छा लगे। लेकिन आपका टारगेट पहले क्या होना चाहिए कि हम जितना हो सके पहले पेपर कंप्लीट करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेवर वेस्ट योर टाइम इन डेकोरेटिंग सच थिंग्स। जहां पे जरूरी है वहीं अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर बराबर डालो और जो भी इजिएस्ट है उसको सबसे पहले लिखो। धीरे धीरे हार्ड वाले पे अटक जा रहे उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इस प्रकार से चीजें करते जाओ।